फर क्लोथ लग्जरी एंड वॉर्म होते हैं, इसके जो आउटलुक होते हैं वो हेयरी होते हैं। और मैं आपको बता दूं, लग्जरी वर्ड फेमस हुए थे 1960s में। फर क्लोथ बने होते हैं फरी एनिमल्स के खाल से, इट इज मेड ऑफ फरी एनिमल्स हाइड। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया फैशन आर्ट टू स्टूडियो। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो फर कोट है। और मैं आपको बता फर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक सेबल, मिंक, रैबिट, फॉक्स। फॉक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रेड जैसे कि हो गए, सिल्वर, ब्लू, और भी बहुत तरह के फर होते हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे फॉक्स फर के टाइप्स को। और मैं आपको एक चीज और जानकारी दे दूँ यहाँ पे, जैसे कि फर के जो स्ट्रोक्स मैटर करते हैं उससे भी कई ज़्यादा मैटर करते हैं उसके डायरेक्शन। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि मैं किस तरह से पेंसिल के स्ट्रोक्स ले रही हूँ, कौन से डायरेक्शन में। और मैं यहाँ पे कॉपिक के मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ, और मैंने कौन से शेड लिए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप चाहे तो वाटर कलर के साथ भी जा सकते हैं, आप चाहे तो किसी और भी ब्रांड के साथ जा सकते हैं। सेम कलर अगर आपके पास कोई और ब्रांड के हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़े बहुत कलर के जो डिफरेंसेस हैं ये हो सकते हैं, मैटर ये करते हैं कि आपने क्या सीखा और आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने इलस्ट्रेशन में।
यहाँ पे मैंने पॉलीक्रोमा के पेंसिल्स यूज़ किए हैं, एक डार्क ब्राउन और एक वॉलनट ब्राउन मैंने यूज़ किया है, जो कि मैंने शेड यहाँ पर मेंशन कर दिया है।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर मोशन में शो हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं पेंसिल के जो स्ट्रोक्स हैं कहीं पे लाइट कहीं पे मैं डार्क लाइन्स शो कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आपके जो पेंसिल के लेड होते हैं वो बिल्कुल शार्प होने चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो लाइन्स हैं वो विजिबल हों।
सो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी सजेशंस एंड क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे कि मेरे हर आने वाले ट्यूटोरियल आप तक पहले पहुँचे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून विद द न्यू ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।